ये जो पेटेंट जो मुझे बनाया गया या मेरे से पहले जिन लोगों को बनाया गया उन लोगों की कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के अंदर बड़ी उपलब्धियां रही है। मैंने जो रिएक्शन देखा सरकार की तरफ से, खास करके जो विजय गोयल जी का जो रिएक्शन था इस पे, बड़ी हैरानी की बात थी। वो ये कह रहे थे कि अभय सिंह चौटाला के खिलाफ क्रिमिनल केस है, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के केस है, मेरे खिलाफ जो मुकदमा है आज की तारीख में वो कोई क्रिमिनल केस नहीं है। कांग्रेस की सरकार द्वेष भावना से कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ ये मुकदमे दर्ज कराएगी, ये पॉलिटिकल मुकदमे है। और जहां तक स्पोर्ट्स का सवाल है, मेरा जो जीवन रहा है बहुत लंबे समय तक मैं स्वयं खिलाड़ी रहा, और उसके साथ साथ हमने अपनी गवर्नमेंट में ऐसी पॉलिसी बनाई थी कि जिसकी वजह से आज मेडल आने शुरू हो गए, और मेडल 1, 2, 4, 6 नहीं, आज हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं, अगर कहीं 100 खिलाड़ी इस देश के खेलने जाते हैं तो उनमें 60 खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश से होते हैं। सिर्फ इसलिए है कि हमने जो स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई थी 2000 से 2005 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री थे, उस स्पोर्ट्स पॉलिसी में हमने नगद पुरस्कार की शुरुआत करी थी। जहां तक गोयल साहब की पीड़ा है, उनसे एक चीज आप जरूर पूछे तो फिर मुझे वाइस चेयरमैन नहीं लगाया जाता, और अगर मेरे बनने से पीड़ा थी तो फिर विजय कुमार उस वक्त में विजय गोयल ने विरोध क्यों नहीं किया। आज कहीं ना कहीं जहां मिनिस्टर बनने के बाद, रियो ओलंपिक में जाने के बाद जो एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर के नाते उनकी जिम्मेवारी थी उसको निभाने में विफल है, उसके बाद वहां से आने के बाद, वहां जाने से पहले बहुत सी स्टेटमेंट्स उनकी आई थी, वहां से बहुत सी बातें उन्होंने टीवी पे खड़े होकर के कही थी कि हम कैसे देश की स्पोर्ट्स की प्रमोशन करेंगे, प्रमोट करेंगे, हमने कितना पैसा खर्च किया है, आज वो सब चीजें जो गौन होगी।